आजमगढ़ में डाला छठ के दौरान अलग अलग हादसों में तीन किशोरों की मौत से खुशियां गम में बदली। वहीं गोताखोरों ने तीनों के शव किए बरामद। आपको बता दें कि आजमगढ़ में छठ पूजा के दौरान नदी व तालाब में डूबने से तीन किशोरों की मौत से पर्व की खुशियां मातम में तब्दील हो गई, जबकि तीन किशोरों को गोताखोरों व स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। वहीं पुलिस ने तीनों किशोरों को शवों को कब्जों में ले लिया। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पहली घटना अतरौलिया थाना क्षेत्र की छोटी सरायू नदी के तट पर घटी, जहाँ भटपुरवा गाँव निवासी चमन छठ व्रत के लिए तड़के परिजनों के साथ छोटी सरायू नदी में भगवान भास्कर के अर्घ्य देने के लिए नदी के तट पर खड़ी हुई। इस दौरान परिवार व रिश्तेदारी के तीन किशोर सत्यम 16 वर्ष, सगे भाई अभिषेक, अनिकेत व मंगल घाट से ही कुछ दूरी पे नदी में छलांग लगा दिए। नदी के तेज धारा में चारों युवक के बहने लगे तो घाट पे खड़े श्रद्धालुओं की नजर पड़ी तो लोगों ने शोर मचाया। वहीं घाट पे तैनात गोताखोरों की टीम ने तीन किशोरों को बचा लिया, जबकि सत्यम 16 वर्ष की नदी में डूबने से मौत हो गई। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हट जाओ पीछे, हट जाओ। नाम है आपका? लाहौर। ये डुबकी कब हुई है? 6:30 बजे करीब। 6:30 बजे किस दौरान? छठ पूजा के दौरान। छठ पूजा के। क्या नाम था जो डूबा था बच्चे का? नाम विशाल। विशाल। बाप का नाम क्या? रामपुर। उम्र क्या होगी लगभग? 17-18 साल। कई घंटे के बाद लाश को आप लोगों ने तलाश किया है? हम लोग 2 घंटे बाद पता, किसी को नहीं था कि ये लाश डूबी हुई, किसी को सर पता नहीं था कि ये लाश डूबी हुई है। सब अपने घर चले गए। उसके बाद जब 8 बजे 8:30 बजे बाद पता चला, सबको चला कि लाश डूबी हुई है। जब गाँव में बच्चे जो लेकर गए घर जब कपड़े, तब हम लोग यहाँ पे आए। मौके पे पुलिस भी आई है आप लोगों के साथ, क्या सहयोग रहा इनका? भरपूर सहयोग लोगों का था। ये जो डुबकी हुई है वो क्या लगते हैं आपको? लड़का लगा, भतीजी का लड़का है। कब डुबकी हुई है? 6 बजे। क्या करने गए थे? छठिया पर। छठ पूजा परिवार के साथ गए थे? नहीं, परिवार के साथ मानो गाँव का रहना लोग। अच्छा अच्छा। हाँ। कई घंटा के बाद लाश मिली है? अच्छा, लाश मिल गई। क्या मांग है आप लोगों की? बहुत गरीब लोग हैं, सहारा चाहिए सरकार से।